Good morning, today is 22nd of December 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला आर्टिकल यहां पे 2G स्पेक्ट्रम केस से संबंधित है. क्या हुआ, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम केस में जो भी आरोपी थे उनको बरी कर दिया है. तो तीन पॉइंट्स मेनली हम इस आर्टिकल से ड्रा कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट, जुडिशरी को सिर्फ और सिर्फ सबूत चाहिए, पब्लिक परसेप्शन या फिर किसी रिपोर्ट के आधार पर जुडिशरी काम नहीं करती. दूसरा पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए सिर्फ केस फाइल करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप केस को अंजाम तक नहीं पहुंचा देते. तीसरा पॉइंट, पब्लिक लाइफ में किसी भी पर्सन के खिलाफ एलिगेशंस लगाने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उन एलिगेशंस को साबित ना कर दो. तो तीन पॉइंट्स हम इस आर्टिकल से ड्रा कर सकते हैं. उसके बाद नीचे ये आर्टिकल ऑस्ट्रेलिया की अंदरूनी राजनीति से संबंधित है. वहां पे राइट विंग का कोलिशन आया है सत्ता में, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. बीच में ये बड़ा आर्टिकल जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन से संबंधित है, कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस भी दिए गए हैं राइटर के द्वारा, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. नीचे ये आर्टिकल श्रीलंका में तमिल की सिचुएशन के बारे में है. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस में सिर्फ एक पॉइंट बनता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे. उसके बाद ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, क्या अडल्ट्री को क्राइम मानना चाहिए हमारे देश में, यानी सेक्शन 497 आईपीसी के अंदर होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए. काफी डिटेल से इस आर्टिकल पे हम चर्चा करेंगे. उसके बाद नीचे ये आर्टिकल है, एनआरआईज को प्रॉक्सी राइट्स दिए जाने के लिए पार्लियामेंट के विंटर सेशन में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे. और सबसे लास्ट में लाइव मिंट का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल. क्या कंटेस्ट है, कंटेस्ट है जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के दौरान ट्रेडर्स और इंडस्ट्री ओनर्स को काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है. कुछ प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है, दूसरे नंबर पर रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम आ रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, और सबसे लास्ट में एक्सपोर्टर्स को रिफंड नहीं मिल रहा है, इसलिए उनके पास में लिक्विडिटी क्रंच है, उनके पास में लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स के एग्जांपल हैं जो ट्रेडर्स और इंडस्ट्री ओनर्स जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के दौरान फेस कर रहे हैं. देखो, एक बात पे तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आईएमएफ समेत वर्ल्ड के जो बड़े इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं सबने कहा है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए जीएसटी बहुत ज्यादा फायदेमंद है. लेकिन मैटर यह करता है आप जीएसटी को इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो. तो 165 देशों ने जीएसटी को इंप्लीमेंट कर दिया है. 165 में से 5 देश ऐसे हैं, कौन कौन से, बेलिजी, घाना, ग्रेनेडा, माल्टा, वियतनाम. इन 5 देशों ने जब जीएसटी को अपने देश में इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो नहीं पाई, इसलिए जीएसटी को रिपील कर दिया. वो बात अलग है, फिर से इन्होंने जीएसटी को रीइंट्रोड्यूस किया. अभी देखो सभी देशों के बीच में एक तरह का कॉम्पिटिशन है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरन इन्वेस्टमेंट उनके देश में आए, तो इसीलिए काफी सारे टैक्स इंसेंटिव दिए जाते हैं बाहर की कंपनीज को ताकि उनको अट्रैक्ट किया जा सके अपने अपने देशों में इन्वेस्टमेंट के लिए. इसीलिए कॉर्पोरेशन टैक्स रेट काफी कम है, तो वहां से जो रेवेन्यू लॉस होता है उसकी भरपाई जीएसटी के थ्रू की जा सकती है, इसीलिए भी जीएसटी काफी ज्यादा फायदेमंद है. लेकिन देखो जीएसटी का एक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता सभी देशों में. 165 देशों ने जिन्होंने अपने अपने देशों में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया है, वहां पे अलग अलग सर्कमस्टांसिस हैं, अलग अलग उनकी इकोनॉमी का स्वरूप है, तो जीएसटी का एक ढांचा तो 165 देशों में नहीं हो सकता. लोकल कंडीशंस के हिसाब से जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, जो स्वरूप है, वो अलग अलग होगा. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, अब देखो ऑलरेडी 165 देश जीएसटी को इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो कुछ चीज हम वहां से ले सकते हैं कि कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि जीएसटी को सक्सेसफुल बनाती हैं. तो उन बेसिक चीजों की हम बात कर लेते हैं. सबसे पहले बेसिक चीज जो जीएसटी को सफल बनाती है वो है थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड ये डिसाइड करता है कि किस कंपनी को जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी है और किस कंपनी को एग्जेम्पशन मिलेगा. तो देखो हमारे देश में जीएसटी के अंदर जो थ्रेशोल्ड है वो है 20 लाख रुपए, यानी 20 लाख से कम अगर किसी कंपनी का टर्नओवर है तो उनको जीएसटी के अंदर रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, उनको उन पे जीएसटी नहीं लगेगा. लेकिन अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो उनको जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना जरूरी है और उन पे जीएसटी लगेगा. राइटर ये कहते हैं कि देखो जो ये थ्रेशोल्ड है ना तो बिल्कुल कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ये काफी कम है, इसलिए काफी छोटी छोटी जो कंपनीज हैं वो भी जीएसटी के दायरे में आ गई हैं. तो 20 लाख से बढ़ा के 50 लाख तक थ्रेशोल्ड कर देना चाहिए. तो इससे होगा क्या, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगी.
इससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू लॉस तो होगा, लेकिन सिर्फ 4% रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे प्रमोट होगा। और वो छोटी कंपनीज, देखो ये जो छोटी कंपनीज हैं, ये बिल्कुल पुअर लोगों को अपने प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाती हैं। अगर इन पे जीएसटी लगता है तो प्रोडक्ट्स के जो दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर इन छोटी कंपनियों को जीएसटी से एग्जेम्पशन मिलता है तो जो प्रोडक्ट्स के दाम हैं जो पुअर लोग अवेल करवाते हैं, उन प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ेंगे, एक फायदा ये भी होगा। तो इसीलिए सोचना चाहिए सरकार को, जीएसटी काउंसिल को, कि इस थ्रेशोल्ड को जो अब 20 लाख है इसे इंक्रीज करके 50 लाख कर दिया जाए। तो ये पहली बेसिक चीज है। दूसरी बेसिक चीज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में देखी गई है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के दौरान, रेट्स सिर्फ दो होते हैं, लेकिन हमारे देश में जीएसटी में 5 रेट्स हैं, 0 समेत 5 रेट्स हैं, जो सिस्टम को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इससे जो प्लेटफॉर्म है जिस पे जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्लेटफॉर्म ये हो गया है, तो इस वजह से भी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सरकार को चाहिए कि धीरे धीरे जो टैक्स रेट्स हैं कम करके 2 पे लाए, इससे जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो ये दूसरी बेसिक चीज है। अब तीसरी बेसिक चीज की बात करते हैं। देखो जिन देशों ने जीएसटी को आसानी से इंप्लीमेंट कर दिया, वहां पे कोई नहीं प्रॉब्लम आई, तो उन देशों ने पहले अपने आप को तैयार किया था, काफी सारी उन्होंने चीजें की थी पहले, प्लेटफॉर्म पहले उन्होंने बना दिया था, लेकिन लगातार उसकी टेस्टिंग करते रहे, बिजनेसमैन को अवेयर किया कि कैसे आप जीएसटी की रिटर्न्स फाइल कर सकते हो, यानी बहुत सारी चीजें उन्होंने की जीएसटी को इंप्लीमेंट करने से पहले। लेकिन हमारे देश में जीएसटी को इंप्लीमेंटेशन करने से पहले होमवर्क नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जीएसटी काउंसिल के द्वारा, इसीलिए जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये थी तीसरी चीज। अब राइटर चीजों को समराइज करते हैं। राइटर कहते हैं कि गवर्नमेंट को जीएसटी से एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नहीं हासिल हो पा रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट तो बहुत ज्यादा किया था हमें इतना पैसा मिलेगा, लेकिन उतना पैसा गवर्नमेंट को, उतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को हासिल नहीं हो पा रहा है जीएसटी से। लेकिन जैसे जैसे चीजें स्टेबलाइज होंगी, जैसे जैसे ट्रेडर्स को समझ में आएगा जीएसटी का सिस्टम, वैसे वैसे टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा और वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ता जाएगा जीएसटी के अंदर। फिर से राइटर कहते हैं ये सारी चीजें चाहिए किसी भी देश में जीएसटी को सफल बनाने के लिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट, एडवांस प्रिपरेशन, पहले से तैयारी करना जरूरी, इन्वेस्टमेंट इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स पेयर सर्विसेज, एक्सटेंसिव पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम, पब्लिक को जागरूक करना, और सबसे लास्ट में 5वें नंबर पे बिजनेस कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल करना। तो ये 5 चीजें जो गवर्नमेंट को, जीएसटी काउंसिल को पहले करनी चाहिए थी, अब भी की जा सकती हैं, ताकि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में इंप्रूवमेंट लाई जा सके। और जो टैक्स अभी जीएसटी के बाहर हैं, जैसे कि रियल एस्टेट या फिर पेट्रोलियम, ये सब टैक्स भी जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। इससे सिस्टम और ज्यादा आसान होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ज्यादा प्रमोट होगा और टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है कि देखो जीएसटी काउंसिल ने वैसे अच्छा काम किया है, क्योंकि भारत जैसे देश में, इतना बड़ा देश है, 29 स्टेट्स भी हैं, सारी बातें तो आइडियली नहीं हो सकती, प्रॉब्लम्स तो आनी ही थी जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के दौरान, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने जिस प्रकार से फ्लेक्सिबल रूप से काम किया वो काफी सराहनीय है। और कुछ ट्रेडर्स जो जीएसटी का बार बार विरोध करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे थे जो पहले फॉर्मल टैक्स सिस्टम के अंदर आते ही नहीं थे, वो टैक्स की चोरी करते थे, तो अब सारा सिस्टम फॉर्मलाइज हो रहा है, तो इससे भी कुछ ट्रेडर्स को प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये पूरा आर्टिकल था जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 के बारे में है। जीएस पेपर 2 में इस टॉपिक के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल। क्या कंटेक्स्ट है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 पार्लियामेंट के इस विंटर सेशन में जो अभी चल रहा है में इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले हम कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। देखो आरपीए एक्ट 1950 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 किस चीज से डील करता है? ये डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स और इलेक्शंस के लिए, डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, इसके अलावा क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स और प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, इन सब चीजों से डील करता है आरपीए एक्ट 1950। और आरपीए एक्ट 1951 किस चीजों से डील करता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 डील करता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ऑफेंसेस एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शंस। तो अब देखो आरपीए एक्ट 1950 के अंदर जो रूल्स बनाए गए हैं उनका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960। इन रूल्स में साफ तौर पे कहा गया है कोई भी एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में एज ए वोटर अपने आप को लिस्ट करवा सकता है, रजिस्टर करवा सकता है। तो ये कहा जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के अंतर्गत में, जो आते हैं आरपीए एक्ट 1950 के अंतर्गत। इसके बाद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर आते हैं कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961। अब देखो जो ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 है, ये कहते हैं
एनआरआई को अपना वोट देने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना होगा अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर। वहां पे दूसरे देशों में रहकर एनआरआई वोट नहीं दे सकते, उनको आना पड़ेगा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर और वोट देना पड़ेगा। यह कहा गया है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 जो कि आते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत। लेकिन देखो काफी सारी प्रॉब्लम्स आती थी एनआरआई को, स्पेशल वोट के लिए आना यहां पे उनको काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता था, इसलिए बहुत कम एनआरआई आते थे अपना वोट देने के लिए। इसीलिए सरकार अब एक बिल लेके आई है, इस बिल का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2017। अब अगर ये बिल पारित हो जाता है तो एनआरआई वहां पे दूसरे देशों में रह के भी अपना वोट दे सकते हैं। कैसे? प्रॉक्सी की सहायता से। मतलब कि एनआरआईज दूसरे देशों में किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं ताकि वो एनआरआई के बिहाफ में अपना वोट दे सकें। समझ गए? मान लीजिए एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं अभी विदेश में हूं, एनआरआई हूं, मैं अभी विदेश में हूं। पहले तो क्या होता था, पहले के रूल्स के हिसाब से कंपलसरी था मुझे अगर अपना वोट देना है तो मुझे आना पड़ेगा अपने कंस्टिट्यूएंसी के अंदर और अपना वोट देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बिल पारित हो जाता है तो दूसरे देश में भी मैं अपने भाई को, बहन को या फिर किसी दोस्त को अपॉइंट कर सकता हूं कि आप मेरे तरफ से वोट दे दीजिए। इस चीज को कहते हैं प्रोक्सी वोटिंग। तो अगर ये बिल पारित हो जाता है तो प्रोक्सी वोटिंग अलाउ हो जाएगी एनआरआईज के लिए। तो इससे काफी इंपैक्ट पड़ेगा इलेक्शंस पे, क्योंकि कई स्टेट्स खास करके केरला, गुजरात और पंजाब, ये ऐसे स्टेट्स हैं कि अगर एनआरआईज इस प्रकार से प्रोक्सी वोटिंग वो कर सकेंगे तो जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, जो इलेक्शंस के नतीजे हैं, वो बहुत हद तक प्रभावित हो सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 के बारे में। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एडल्ट्री से संबंधित है। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के काफी सारे टॉपिक्स के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल। ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है। टॉपिक ये है कि क्या एडल्ट्री को क्राइम मानना चाहिए। तो सबसे पहले सुधीर मिश्रा कहेंगे कि हाँ, अडल्ट्री को क्राइम मानना चाहिए। दूसरे नंबर पे तलीस रॉय कहेंगी नहीं, अडल्ट्री को क्राइम नहीं मानना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आनंद ग्रोवर बोलेंगे ये कॉम्प्लिकेटेड है। 14 दिसंबर को हमने अडल्ट्री के बारे में डिस्कस किया था, रिवाइज आपको करवा देता हूं। क्या है सेक्शन 497? देखो हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल उस दिन हमने लिया था, फिर से सेम एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। ए और बी आपस में हस्बैंड वाइफ है, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, और सी एक थर्ड पर्सन है पिक्चर के अंदर जो मेल है, मैरिड हो भी सकता है और मैरिड नहीं भी हो सकता है। अब देखो बी जो कि वाइफ है ए की और सी के बीच में जो कि थर्ड पर्सन है, दोनों के बीच में अगर किसी भी प्रकार के फिजिकल रिलेशंस हैं और इस तरह के फिजिकल रिलेशंस में अगर ए की कंसेंट नहीं है जो कि हस्बैंड है बी के, तो ए के द्वारा केस फाइल किया जा सकता है सी के अगेंस्ट में। और इंडियन पिनल कोर्ट सेक्शन 497 के अकॉर्डिंग में 5 साल की सजा हो सकती है सी को अगर केस फाइल किया जाता है ए के द्वारा। तो ये है अडल्ट्री सेक्शन 497 के अकॉर्डिंग। तो इसी पे आज का पूरा आर्टिकल ये है, क्या इस सेक्शन को पूरी तरह से हटा देना चाहिए या फिर ये सेक्शन होनी चाहिए। सबसे पहले हम सुधीर मिश्रा की बात सुनेंगे। ये कहते हैं कि 497 जरूरी है और अडल्ट्री को क्राइम मानना भी जरूरी है। ये कहते हैं कि हमारे संविधान में जो सिंपल धोखाधड़ी है, एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को धोखा देता है तो उसे भी क्रिमिनलाइज किया गया है। सेक्शन 420 के बारे में आपने सुना होगा, 420 धारा। और एडल्ट्री तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो हमारे समाज में मैरिज जिसको एक काफी पवित्र इंस्टीट्यूशन माना जाता है उस इंस्टीट्यूशन को ही बर्बाद करके रख देता है एडल्ट्री। इसीलिए इसको क्रिमिनलाइज करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1954 के अपने यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में कहा था कि अगर सेक्शन 497 और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को एक साथ देखें तो ये राइट ऑफ इक्वालिटी का उल्लंघन नहीं है। समझ गए? यानी ये जो आर्ग्यूमेंट देते हैं सुधीर मिश्रा, वो उस आर्ग्यूमेंट के जवाब में देते हैं जो लोग कहते हैं कि अडल्ट्री जो है वो राइट ऑफ इक्वालिटी का उल्लंघन है, ये वाइफ को अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी बना देता है। तो उसके जवाब में सुधीर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को कोट करते हैं। ये कहते हैं कि 1954 की एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर आर्टिकल नंबर 14, 15 और सेक्शन 497 इन तीनों को एक साथ देखोगे तो ये राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन नहीं है। अडल्ट्री को बैन करने के लिए एक एग्जाम्पल यह भी दिया जाता है कि वो मैरिड वुमन जिसने दूसरे पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश किए उसको किसी भी तरह की सजा नहीं हो सकती आईपीसी 497 के अकॉर्डिंग, आईपीसी सेक्शन 497 के अकॉर्डिंग। तो ये गलत है, ये लॉ जेंडर न्यूट्रल नहीं है। सिर्फ एक थर्ड पर्सन को दोषी ठहराया जा सकता है, इसके अंदर 5 साल की सजा उसको हो सकती है, लेकिन वो विवाहिता, वो मैरिड वुमन जिसने फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश किए थे उसको पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये जेंडर न्यूट्रल ये लॉ नहीं है। तो इसके जवाब में सुधीर मिश्रा कहते हैं कि देखो जब ये कानून बनाया गया था तो उस समय सर्कमस्टांसिस ऐसी थी
कि वुमन को बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट किया जा रहा था, बहुत ज्यादा ऑपरेशन हो रहा था, तो इसी वजह से वुमन को एग्जेम्प्ट किया गया है, विक्टिम माना गया है इस कानून के अंतर्गत में, समझ गए? तो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो सेक्शन 497 है आईपीसी के अंदर, वो एडल्ट्री को नहीं रोक पाई है, एडल्ट्री अभी भी होती है। तो उसके जवाब में सुधीर मिश्रा कहते हैं कि देखो, कानून तो मर्डर के लिए भी है, रेप के लिए भी है, क्या इससे मर्डर रुक गए हैं या फिर रेप होने रुक गए हैं? नहीं रुके हैं। तो एडल्ट्री के कानून में दिक्कत नहीं है, इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत है। अगर आपको एडल्ट्री को रोकना है तो आप इसकी इंप्लीमेंटेशन ठीक कीजिए, ताकि समाज में एक डर पैदा होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा कानून हटा देना ये गलत है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी सुधीर मिश्रा देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट वैसे तो विचार कर रही है कि एडल्ट्री को हटा देना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एडल्ट्री को हटा भी देती है तो विभिन्न धर्मों के जो पर्सनल लॉज हैं उनके अंदर तो ऑलरेडी एडल्ट्री को बैन किया हुआ है। तो ये पूरे आर्ग्यूमेंट्स हैं सुधीर मिश्रा के। अब तली सोए के आर्ग्यूमेंट्स हम सुनते हैं। उनका कहना है कि सेक्शन 497 को हटा देना चाहिए क्योंकि ये वुमन के अगेंस्ट में है। जो ये बेसिक एग्जांपल हमने समझा था, क्या था ये बेसिक एग्जांपल? अगर देखो, ए की कंसेंट नहीं ली गई है तभी ए के द्वारा एडल्ट्री का केस फाइल किया जा सकता है सी के अगेंस्ट में, लेकिन अगर बी, जो कि वाइफ है ए की, बी और सी के बीच में किसी भी प्रकार के फिजिकल रिलेशन एस्टैब्लिश किए जाते हैं और उस स्थिति में अगर ए की कंसेंट ली गई है, यानी हस्बैंड से कंसेंट ली गई है, तो एडल्ट्री का केस नहीं फाइल हो सकता। ये चीज गलत है। देखो, सिंपल सा लॉजिक है। क्या कोई वाइफ अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है कि उसकी एसेंट लेना जरूरी है? क्या कोई वाइफ अपने हस्बैंड की कमोडिटी है? क्या कोई चीज है, कोई वस्तु है? तो ये चीज वुमन राइट्स के अगेंस्ट में है। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15 जो कि राइट टू इक्वालिटी के लिए है, उसके अगेंस्ट में है। इवन आर्टिकल नंबर 21 के अगेंस्ट में है, जो कि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ एंड लिबर्टी के लिए है। इवन एक और सीनेरियो भी है। देखो, इसमें एग्जाम्पल में हमने ए और बी का एग्जाम्पल देखा। ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, लेकिन मान लीजिए फोर्थ पर्सन डी भी है। डी जो है वो वुमन है, चौथी पर्सन वुमन है। अब देखो, ए जो कि एक मैरिड मेल है, जो कि फोर्थ पर्सन डी जो कि एक वुमन है, मैरिड हो भी सकती है डी या फिर अनमैरिड भी हो सकती है। तो ए और डी के बीच में अगर किसी प्रकार के फिजिकल रिलेशंस हैं, तो इस केस में डी जो कि वुमन है उसको दोषी क्यों नहीं ठहराया जा सकता? इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो सकता बी जो कि एक मैरिड महिला है वो केस फाइल करें एडल्ट्री के अंदर डी जो कि एक वुमन है? तो इस तरह का भी कोई प्रावधान नहीं है सेक्शन 497 के अंदर। अब तीसरे नंबर पे आनंद ग्रोवर के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। ये वैसे सेक्शन 497 के अगेंस्ट ही बोलते हैं। इनका कहना है कि सेक्शन 497 ये अज्यूम करता है कि वाइफ की जो पर्सनैलिटी है वो हस्बैंड के पर्सनैलिटी के अंदर मर्ज हो जाती है, यानी वाइफ की कानून की आंखों में अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सेक्शन 497 के अकॉर्डिंग, जो कि वुमन की डिग्निटी और ऑटोनॉमी के अगेंस्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुमित्री विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 के केस में माना था कि सेक्शन 497 जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को नहीं हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये कहा था कि सेक्शन 497 को अगर हटाना है तो लेजिस्लेचर इसे हटाएंगे, और कुछ नया लेके आना है तो लेजिस्लेचर वाले कुछ नया लेके आएंगे, हम इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 1985 के एक केस में। अब देखो, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट फिर से इसे कंसीडर कर रहा है, लेकिन पार्लियामेंट को इस चीज पे या तो इस चीज को अमेंड करना चाहिए या फिर कोई नया कानून बनाना चाहिए या फिर पूरी तरह से रिपील कर देना चाहिए। एक बात यह भी बोली जाती है आनंद ग्रोवर के द्वारा लास्ट में कि देखो, आमतौर पे इस तरह के जो कानून होते हैं, अमीर और जो इन्फ्लुएंसियल लोग जिनके पास में पावर है उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन हमारे समाज में जो वल्नरेबल लोग हैं उनको हरास किया जाता है अथॉरिटीज के द्वारा इन सब कानूनों के तहत में, इसलिए भी सेक्शन 497 को हटा देना चाहिए। तो ये आर्गुमेंट्स थे आनंद ग्रोवर के। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। अकॉर्डिंग टू आईपीसी सेक्शन 497, एडल्ट्री बाय मैन इज इलीगल इन इंडिया व्हाइल वुमन इज एग्जेम्प्टेड। तो जो हमने अभी डिस्कस किया, सेक्शन 497 के अकॉर्डिंग मैन के द्वारा जो एडल्ट्री की जाती है वो तो इलीगल है, लेकिन वुमन को एग्जेम्प्ट किया गया है। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जेंडर पे आधारित जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए? और आपको अपने आंसर को सब्सटेंशिएट भी करना है 250 वर्ड्स में। तो सिर्फ आईपीसी सेक्शन 497 तक आप अपने आंसर को मत सीमित रखिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे देश में कोई और कानून भी है जेंडर पे आधारित जो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, तो उनको भी आप ऐड कीजिएगा। कई बार आपके द्वारा पूछा जाता है कि आंसर आप कहां लिख सकते हो, onlyis.com पे जाके आप आंसर लिख सकते हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहां पे डिस्कस में रजिस्टर करवाने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो अपने आंसर्स को अपलोड नहीं कर सकते। तो देखो, या तो आप अपनी आईडी के स्पैम बॉक्स में चेक कर सकते हो, क्या डिस्कस ने कोई वेरिफिकेशन जो मेल सेंड की है वो आपकी आईडी के स्पैम बॉक्स में है,
या फिर आप किसी दूसरी आईडी से रजिस्टर कर सकते हो आंसर्स को अपलोड करने के लिए। कोई जरूरी नहीं कि दूसरी आईडी में भी सेम तरह की प्रॉब्लम आप फेस करोगे। और उसके बाद पीडीएफ के बारे में आप पूछते हो, सारी की सारी पीडीएफ जो है वीडियोज की वो वेबसाइट पे आपको मिल जाती है। आप या तो वेबसाइट पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आपकी ईमेल आईडी में आ जाए, या फिर आप फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हो ताकि तमाम तरह की जानकारियां जो शेयर की जाती हैं आपके फेसबुक पेज पे आ जाएं। आगे आज का ऐसे का कोट है, ए राइट डिलेड इज राइट डिनाइड। मार्टिन लूथर किंग ने यह बात कही थी। सिंपल सा कोट है, राइट के कंटेक्स्ट में कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हो। क्वेश्चन है अगला, इन लॉ ए वुमन इज गिल्टी व्हेन ही वायलेट्स द राइट्स ऑफ अदर्स, इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंक्स ऑफ डूइंग सो, डिस्कस विद एग्जांपल्स। देखो लॉ के अकॉर्डिंग तो अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के राइट्स को वायलेट करता है तो वो गिल्टी है, लेकिन एथिक्स में अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के राइट्स को वायलेट करने के बारे में सोचता भी है तो वो गिल्टी है। इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है एग्जाम्पल्स के साथ 150 वर्ड्स में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है, जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक के अंदर कवर होगा ये आर्टिकल। देखो हमारे देश में इंडियन इकोनॉमी की प्लानिंग करते वक्त हमारे पॉलिसी मेकर्स ने काफी सारी गलतियां की हैं। सबसे पहली गलती, डेवलपमेंट पे ध्यान ना देके पहले फोकस किया है ग्रोथ पे। लेकिन बेसिक चीज ये है, अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाना है तो पहले डेवलपमेंट पे ध्यान देना जरूरी है। डेवलपमेंट मतलब जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ के, एजुकेशन के, सोशल इंडिकेटर्स, इन सब चीजों में सुधार। क्योंकि देखो अगर गरीब लोग एजुकेट होंगे, अगर गरीब लोग स्वस्थ रहेंगे तो वो काम करेंगे, वो सक्षम करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे देश की जो है इकोनॉमी आगे जाएगी और ग्रोथ रेट इंक्रीज होगी। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, पॉलिसी मेकर्स ने फोकस किया ग्रोथ रेट पे, देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाएं, और जैसे देश की इकोनॉमी आगे जाएगी गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा और उन पैसों की सहायता से जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन या फिर दूसरे सोशल इंडिकेटर्स, उनमें सुधार लाया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं हुआ, समझ गए, पहले डेवलपमेंट जरूरी है, बाद में ग्रोथ ऑटोमेटिक आएगी। लेकिन हमारे देश में उल्टा हुआ, पहले ग्रोथ रेट को बढ़ाने में फोकस किया गया, सोचा गया कि डेवलपमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगी, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं आई। तो ये पहली गलती है। उसके बाद दूसरी गलती, किसी भी देश की इकोनॉमी इस प्रकार से आगे जाती है, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ता है, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ती है तेजी से, और उसके बाद में सर्विस सेक्टर में। लेकिन हमने जो बीच का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो स्टेप है उसे स्किप कर दिया, एग्रीकल्चर से सीधी हमारी जो इकोनॉमी है वो जंप कर गई सर्विस सेक्टर में। आपने देखा होगा किस प्रकार से 2000 के समय में एकदम आईटी बूम आया था। तो लेकिन बाद में गवर्नमेंट को यह एहसास हो गया कि देखो सर्विस सेक्टर में जॉब्स मिली हैं वो हाईली स्किल्ड लोगों को मिली है, लेकिन गरीब लोगों को जॉब्स देने के लिए, लोअर मिडिल क्लास लोगों को जॉब देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सरकार अब बहुत सारी स्कीम चला रही है, मुद्रा स्कीम, स्टार्टअप स्कीम, स्टैंडअप स्कीम। क्यों? क्योंकि लोग, गवर्नमेंट को समझ में आ गई ये चीज कि इतने सारे लोगों को जॉब्स देनी है तो सारे के सारे लोगों को जॉब्स नहीं दी जा सकती सर्विस सेक्टर में, उनको जॉब्स देनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो जो स्टेप इंडिया ने स्किप पहले कर दिया था, सीधा हम जंप कर गए थे एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, इस पर ध्यान देने की कोशिश अब हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये दूसरी गलती है, सीधा जंप कर जाना और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस नहीं करना। अब तीसरी गलती गवर्नमेंट कर रही है, देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 आने वाला है तो इससे ऑटोमेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो जॉब्स लॉस होगा और ज्यादा। अब देखो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि पहले से पॉलिसी बना के रखी जाए ताकि ज्यादा जॉब लॉस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से ना हो, लेकिन जो एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं इस प्रकार की पॉलिसी बनाने में, जो वो स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज का, लेकिन देखो डेवलप कंट्रीज की जो सिचुएशन है वो इंडिया से अलग है, क्योंकि डेवलप कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आया था, वहां पे बहुत सारी जॉब्स प्रोवाइड करी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, लेकिन हमारी यहां पे लोकल सर्कमस्टांसिस अलग हैं। तो इसलिए ऑटोमेशन का जो सामना है वो डेवलप कंट्रीज के हिसाब से नहीं किया जा सकता, ऑटोमेशन का सामना करने के लिए हमें हमारे देश के हिसाब से अलग से पॉलिसी बनानी होगी। तो ये तीसरी गलती है। उसके बाद आती है चौथी गलती जो गवर्नमेंट कर रही है या फिर कुछ एक्सपर्ट्स मांग करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि देखो देश की ग्रोथ रेट जब ज्यादा बढ़ती है, जबकि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो देश की इकोनॉमी में कम होता है और प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है। एग्जाम्पल दिया जाता है 2000 के आसपास जो ये एकदम से हमारी ग्रोथ रेट बढ़ गई थी, उस समय गवर्नमेंट का जो रोल है काफी कम हो गया था 1990 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में। यानी जब गवर्नमेंट सो जाती है तो देश की इकोनॉमी ग्रोथ रेट बढ़ती है, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट गलत है। देखो जो आईटी बूम हमारे देश में आया था, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल था उसमें, क्योंकि बाहर से आईटी कंपनीज आई थी, उनको गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए थे, जमीन उपलब्ध करवाई थी, उनको बहुत ज्यादा असिस्टेंस दी थी ताकि वो हमारे देश में आए और यहां पे इन्वेस्ट करें ताकि लोगों को आईटी सेक्टर में जॉब्स हासिल हो। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो
इंजीनियरिंग के या फिर दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश किए थे समय के अनुसार, और इससे जो स्किल्ड लोग हैं वो स्किल्ड ग्रेजुएट्स आए और उनको जॉब्स हासिल हुई आईटी सेक्टर में। तो मतलब साफ है कि देखो पब्लिक सेक्टर के रोल को भुलाया नहीं जा सकता है, पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट को लाने में, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर सकता है। तो इसलिए अब पब्लिक सेक्टर को चाहिए इन सभी गलतियों में सुधार किया जाए और डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जो ध्यान दिया जा रहा है वो भी सही है, और ऑटोमेशन जो आ रही है उसका सामना इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, शुरुआत से देखते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा की। उसके बाद में हमने एनआरआईज को प्रॉक्सी वोटिंग के राइट्स दिए जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल 2017 के हिसाब से, इसको भी डिस्कस किया। उसके बाद में हमने एडल्ट्री को डिस्कस किया डिटेल से, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया इंडियन इकोनॉमी की प्लानिंग में हमारे पॉलिसी मेकर्स ने काफी सारी गलतियां की हैं। यह थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।